नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एयरटेल के 5G डेटा प्लान के बारे में और आपको किस प्राइस में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि बात करें, एयरटेल ने अपनी 5G सर्विस इंडिया के वेरियस सिटी में लॉन्च की है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग यह है कि आपको डेटा प्लान कहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जैसे कि दोस्तों बात करें, एयरटेल ने अपनी 5G सिम भी लॉन्च कर दिया और आप इजीली ले भी सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं वो भी बहुत बड़ा सवाल बनता है, और अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट में, और जो नॉर्मल आपको पर डे कितनी लिमिट 5G डेटा चलाने के लिए मिलती है वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट बनती है। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट जैसे हम कोई नई वीडियो लेके आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात करें दोस्तों, एयरटेल ने ये फैसिलिटी सिर्फ उन सिटियों में स्टार्ट की है जहां पे अपनी 5G सर्विस लेके आ चुका है। बहुत ज्यादा सिटियों में लेके आ चुका है, लेकिन यह है कि पूरी सिटियों में नहीं चल रही, कुछ कुछ एरियो में चल रही है, तो उसे एक्सपेंड कर रहा है कंटिन्यू। बात करें दोस्तों, आप वहीं के जहां पे 5G सर्विस लॉन्च की गई है, पूरी डिस्क्रिप्शन, क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए डिस्क्रिप्शन जो है जिस जिस सिटी में स्टार्ट होगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे देख सकते हैं। और साथ में इंपॉर्टेंट थिंग, वहीं के एयरटेल जो सिटी स्टोर होते हैं एयरटेल के, वहां से आप 5G सिम ले सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, वहां पे प्राइस सेगमेंट भी आपको वहीं पे देखने के लिए मिलेंगे। अभी ऑफिशियली वेबसाइट पे लॉन्च नहीं किया, लेकिन तब आप 5G सिम मंगाते हैं तब आपको 5G, मतलब एयरटेल के सिम मंगाते हैं तो आपको 5G सिम मिलती है। और किस हिसाब से प्राइस रखे गए हैं, जैसे कि दोस्तों बात करें, एज पर रिपोर्ट के हिसाब से जो कहा गया है वो यही कहा गया है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं, और वहीं के स्टोर से एयरटेल के जो नॉर्मल सिटी स्टोर है तो वहां से आप एयरटेल की 5G सिम ले सकते हैं, उसी पे आपको डेटा प्लान देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों बात करें, एयरटेल के प्लान जो है कुछ आपको इस तरीके के देखने के लिए मिलते हैं। एज पर रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो सबसे अफोर्डेबल प्राइस जो है 2GB डेटा मिलता है आपको 24 डेज के लिए, जिसमें आपको 250 रुपए पे करने होते हैं अराउंड। और बात करें एयरटेल का दूसरा अफोर्डेबल प्राइस प्लान जो है दोस्तों, वो आपको 700 रुपए में देखने के लिए मिलता है अराउंड 1.5 GB पर डे 56 डे के लिए। लेकिन फिर आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव 2.5 GB पर डे पे जाते हैं 56 डे के लिए, तो आपको अराउंड 800 रुपए पे करने होते हैं। और दोस्तों बात करें, आप 850 रुपए पे करते हैं तो आपको 1.5 GB डेटा मिलता है 84 दिन के लिए, और 950 रुपए पे करते हैं तो आपको 2.5 GB डेटा पर डे मिलता है 84 दिन के लिए। लेकिन सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लान जो है वो 2400 रुपए के अराउंड पड़ता है आपको, जो जिसमें आपको 1.5 GB डेटा मिलता है 365 दिन के लिए। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो डेटा प्लान आपको देखने के लिए मिलते हैं यही 4G पे मिल जाते हैं, क्योंकि हर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी यही कह रही थी कि जो हम डेटा प्लान लेके आएंगे वो मतलब एक तरीके से 4G के मतलब अराउंड सेम ही लेके आएंगे, जिसमें दोस्तों प्लान तो सेम लिया है लेकिन डेटा लिमिट को भी तो इंक्रीज करना चाहिए था, मेन चीज फॉरगेट कर दी। क्योंकि क्या आप 5G डेटा के साथ या 5G कनेक्टिविटी के साथ आप इस 2GB या 1.5 GB पर डे पे कितने घंटे या कितने मिनट स्ट्रगल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कंपनियां कह तो नहीं है 5G नेटवर्क ले आई है, लेकिन कंपनियों को ये भी तो बताना चाहिए ना कि एक दिन में कितना डेटा, जो नॉर्मली ये भी कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज को देके भी पहचान सकते हैं और नॉर्मल थिंग भी यूज करते हैं, बहुत बेसिक चीज है। आप खुद अपनी जेब में जो डेटा प्लान डिजाइन कर रहा है अपने मोबाइल में, 5G सिम डाले और पूरे दिन यूज करें, जिसमें जो नॉर्मल चीजें जो डाउनलोड करनी है या यूट्यूब वीडियो देखनी है 4K में देखनी है, उस हिसाब से डेटा प्लान लेकर आते तो शायद अच्छा होता। लेकिन क्या इसे 4G के डेटा प्लान को ही कॉपी करके 5G में कन्वर्ट कर देना, तो क्या ये समझदारी होगी? तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपको किस तरीके से लगे एयरटेल के ये 5G प्लान, जो कि रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर रियली क्योंकि बहुत वर्स्ट कंडीशन में हो जाएगी, जिसमें आपको मतलब अभी एयरटेल की बात करें तो 300, 350 MB तो आपको देखने के लिए मिल रही है पर सेकंड की स्पीड, और हाई स्पीड इंटरनेट चला रहे हैं तो आपका जो नॉर्मल मतलब एक तरीके से MB कंजम्पशन माने तो पर सेकंड आप ज्यादा से ज्यादा 20 MB या 25 MBPS की स्पीड से डेटा खर्च कर सकते हैं। आप 4K वीडियो देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वहां पे आप एक घंटे के अराउंड ही आप 1.5 से 2 GB खत्म कर लेते हैं डेटा 5G में। तो क्या ये प्लान उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, तो दोस्तों ये आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन एयरटेल ने इस तरीके से प्लान इंटरनली लॉन्च कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कस्टमर्स के ऊपर और एयरटेल के खुद के ऊपर भी पड़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।